प्रश्न है, किस देश ने सबसे पहले मुक्ति, समानता और भाईचारे का नारा दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस ने। और यह फ्रांस ने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान दिया था। और फ्रांस के संविधान से ही भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता यानी भाईचारे की अवधारणा ली गई है। इंपोर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1907 के सूरत अधिवेशन के दौरान। नेक्स्ट है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा की पहली महिला सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा की पहली महिला सचिव थीं। और भारत की प्रथम महिला और पुरुष, ये टॉपिक हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है, टेलीग्राम पर मौजूद है, आप जा करके ले लीजिए। नेक्स्ट है, भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध काव्य मधुशाला किस लेखक की कृति है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई एक कृति है। और हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई प्रमुख कृतियाँ हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, सतरंगनी, एकांत संगीत और निशा निमंत्रण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। नेक्स्ट है, क्यूबा देश की राजधानी क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्यूबा की राजधानी हवाना है। अगला प्रश्न है, महाबलेश्वर हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाबलेश्वर हिल स्टेशन महाराष्ट्र में स्थित है और यह महाराष्ट्र के सतारा जिले में है। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस सूचकांक के आधार पर की जाती है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। और मुद्रास्फीति को मुद्रा ह्रास अथवा मुद्रा का अवमूल्यन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अंग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, योजना आयोग को संविधान का अंग नहीं माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 वर्ष। राज्यसभा और विधान परिषद इसके लिए आयु 30 वर्ष है। नेक्स्ट है, ओजोन परत संरक्षण दिवस अथवा विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व ओजोन दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राग मियां की मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मियां की मल्हार तानसेन जी द्वारा गाया गया एक प्रसिद्ध राग है। और राग दीपक भी तानसेन जी द्वारा गाया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जुलाई 1964 को। और जो क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट लगता है उसको आप नोट डाउन करते जाइए। नेक्स्ट है, बीकानेर के महाराज गंग सिंह द्वारा गंग नहर का निर्माण कब कराया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1927 में। नेक्स्ट है, रोबेस्पियर किस ग्रंथ को अपने तकिए के नीचे रखकर सोता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक संविदा को। और ये रोबेस्पियर एक फ्रांसीसी वकील और राजनीतिज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। इस बड़े इमामबाड़े को ही भूल भुलैया कहा जाता है और इसे अवध के नवाब आसिफुद्दौला ने बनवाया था। इंपोर्टेंट है, नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यक्षगान निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक का। और भारत के सभी राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य, ये पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पर है, आप जा करके ले लीजिए।
नेक्स्ट है, केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 जुलाई 2017 को, लेकिन यह पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। दोनों अलग अलग डेट हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है, मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन्हें कंपोजर्स कहा जाता है, क्योंकि यह मृत जीवों को मिट्टी में ही कंपोज कर देते हैं, यानी मिला देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण आवास निधि को निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2008 और 9 में। नेक्स्ट है, कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमरजीत सिंह दुलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना का अधिकार वर्ष 2005 में लागू किया गया था। और इस सूचना के अधिकार से तात्पर्य है कि सरकार अपनी कोई भी कार्य प्रणाली या फिर कोई भी कार्य करेगी तो उसे जनता तक जरूर पहुंचाएगी, यानी कि सरकार द्वारा जनहित में किए गए कार्य की जानकारी मिलना जनता को जरूरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम और नॉलेज के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पिछले सारे प्रश्न आपको हमारे YouTube चैनल शिक्षा मेरे दोस्त पर मिल जाएंगे, Facebook पेज पर मिल जाएंगे। आप जाकर के पढ़ लीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। किसी नोट्स PDF फाइल की आवश्यकता है तो बता दीजिए, हम आपको टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। तो आप आने वाली वीडियो के लिए, नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि नोट्स वीडियो आप तक लगातार जरूर पहुँचते रहें। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, अच्छी तैयारी कीजिए।